तो भाइयों, जो लोग मैंने ये सीरीज़ देखा है उन लोगों को तो प्रोफेसर की इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा कैरेक्टर है शायद कोई ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप भी ये सीरीज़ देखोगी तो आप भी प्रोफेसर मतलब एल्वारो मोटो की फैन बन जाओगी। तो आज हम बात करेंगे उनकी ही 2022 में आई एक फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसमें एल्वारो मोटो एक लॉस्ट एंड फाउंड नाम का ऑफिस चलाते हैं। यहाँ पर वह पुराना चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अगर उनकी ओनर मिल जाते हैं तो वह उनको दे देता है। तो कहानी शुरू होते है जब एक रिवर से इनको एक स्वीटकेस मिल जाता है और स्वीटकेस के अंदर मिलता है एक इंसान की लाश। उस ऑफिस की वजह से उनकी पुलिस से भी दोस्ती रहते हैं और वो बिना पुलिस की मदद के सेपरेटली लाश की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अब शुरू होते हैं असली खेल, वो लाश किसका है, लाश वहाँ पर कैसे आया, क्या उसका मर्डर हुआ था और ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आप अगर इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो या फिर मैंने ही देख के प्रोफेसर का फैन बन गए हो और उनकी और भी कंटेंट देखना चाहते हो और मिल नहीं रहा तो ये मूवी ज़रूर देख सकते हो। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो हिंदी के लिए माफ़ कर देना, पर कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी अच्छा बोल सकूँ।